का दोस्तों लेवल पर आप सभी स्वागत। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3-4 मिनट के अंदर वीडियो फिनिश करेंगे, काफ़ी सारी पॉइंट कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि दोस्तों यहां थंबनेल में देखा, सख्त आदेश सुप्रीम कोर्ट, कहने का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोरिटोरियम 3.0 और लोन रीस्ट्रक्चरिंग को अप्लाई करने की, क्या चाहे आपका किसी भी बैंक NBFC में कोई भी खाता हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक दिया हुआ, आप वहां से देखिए और अपने बैंक का जो डिटेल दिया हुआ आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करके देंगे। NPA पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। साथ ही साथ अगला वीडियो यदि आपने मिस किया तो उस वीडियो में नहीं देखेंगे तो आपको परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि हम उस वीडियो में कवर करने वाले हैं यदि आपका लोन अकाउंट NPA हो गया है तो बैंक आपको किस तरह से क्या क्या ऑप्शन दे सकता है और आपको किस तरह से मॉरेटोरियम, किस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग दे सकता है। और यकीन मान के चलिए यदि वो वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा जो बैंक आपको 100% मॉरेटोरियम देगा और किस शर्तों के साथ देगा, ये सब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। हो सकता है कई सारे एक दिन में 3-4 वीडियो आए तो आपको वो नोटिफिकेशन YouTube भेजता ही नहीं है, कई बार मैंने कल के डेट में इसको नोटिस किया हुआ है, तो इसीलिए आके हर घंटे आके वीडियो देखते रहना इधर, ठीक है। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अब आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल अर्लीवुड पर, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो दोस्तों देखिए आप लोगों के लिए कितनी सारी जानकारी आती है, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके सीधा यहाँ से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, कुछ पूछना कमेंट के लिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप घर से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम लोग की ऑफिशियल वेबसाइट भी मिलेगी, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ सीख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे आखिर सख्त आदेश यानी इसका क्या मतलब हो और साथ ही साथ मोरिटोरियम और सुप्रीम कोर्ट की का जिक्र इसमें होगा। देखिए आगे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर अभी हम बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको हम लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा जहाँ से आप किसी भी बैंक NBFC का लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो या कुछ भी क्रेडिट फैसिलिटी चल रहा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही मिलेगा ये वाले, ठीक है। यहाँ पर ऑल बैंक NBFC लोन ऐप लोन मोरेटोरियम 3.0 रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 अप्लाई लिस्ट लिस्ट मिलेगा, तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा अर्लीवुड दिस और लिस्ट NBFC पहले वाला लिंक, इसके नीचे जो होगा इस पर बस क्लिक कर दीजिएगा तो बस वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए ओपन कैसे होगा ये हम बात करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पर आएंगे। देखिए जब आप ओपन करोगे आप तो ओपन करने के बाद ये वाली वेबसाइट हम लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रही है। ये देखिए इस वेबसाइट पर देखिए बहुत से आप कितना गूगल पर सर्च करोगे कौन सी बैंक की वेबसाइट या फिर कौन कौन से बैंकों ने एप्लीकेशन दिया, दिक्कत होगी आपको, तो हम लोगों ने आपकी समस्या को समाधान करने के लिए, कम करने के लिए देखिए कई सारे सभी बैंक NBFC का लिंक जो भी आप लोग कमेंट करते जाना, आप लोग कौन कौन सी बैंक कौन कौन सी NBFC उसका स्पेशली हम लोग लिस्ट यहाँ पर लिंक दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी बैंक NBFC का है लोन मोरेटोरियम रीस्ट्रक्चरिंग सबका अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप हम लोगों का अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ से थोड़ा बहुत पैसे लेंगे लेकिन सीख जाएंगे, और साथ ही साथ फ्री वाला अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर HDFC ने भी जारी कर दिया लिंक पर, बस टच कर देना, क्लिक कर देना। SBI का भी है, कैनरा बैंक का भी जारी कर दिया, पंजाब नेशनल ने भी जारी कर दिया, सब 4 नंबर पर पंजाब। इसके बाद बाकी जो देखिए एक्सिस वगैरह का है, ICICI, इनका भी डिटेल हम लोगों के पास आया, यहाँ पर अपडेट होगा ये, तो इसलिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिएगा नीचे में स्पेस भी दिया हुआ है, स्पेस भी दिया, कहने का मतलब डायरेक्ट लिंक भी यहाँ पर हम लोग देंगे जिसका जिसका जारी हुआ है, ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोग चेक करते रहिएगा। यस बैंक का भी देखिएगा, यस बैंक ने भी जारी कर दिया है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात है, IDFC ने भी जारी कर दिया है, और उसके बाद इसके और भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद देखिएगा यह NBFC कंपनी में यदि बात करें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट STFC वाले ने भी जारी कर दिया। देखिएगा दोस्तों श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी ने भी यहाँ जारी कर दिया, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग मॉरेटोरियम। एक चीज़ याद रखना यार, आप लोग कोई मत बोलना जो सर इसके साथ रीस्ट्रक्चर, ये तो रीस्ट्रक्चरिंग, इसी पॉलिसी के तहत दोस्तों आपको मॉरेटोरियम मिलता है 2 साल के लिए और रीस्ट्रक्चरिंग मिलता है 2 साल, इसीलिए टेंशन मत लेना, बजाज फाइनेंस वाले सभी लोग देगा। अब आते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का खबर क्या है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का खबर ये है दोस्तों, जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग है सुप्रीम कोर्ट से, सीधा का सीधा आप लोग भी यहाँ देख सकते हैं। देखिए एक विशाल तिवारी जी को तो जानते ही होंगे दोस्तों, ठीक है, जो विशाल तिवारी साहब ने के द्वारा, विशाल तिवारी जी के द्वारा देखिए जो दो इधर कौन कौन सी कंपनीज हैं, देखिए अजीज ट्रेडिंग कंपनी है और दूसरा है उमराज ट्रेडिंग कंपनी, इसके बाद है अजय होटल्स एंड रेस्टोरों लातूर, इनके द्वारा विशाल तिवारी जी के माध्यम से PIL फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, कंटेम्प्ट पिटीशन, ठीक है।
और ये केवल एक ही पिटीशन नहीं है, माफ़ी चाहेंगे मल्टीपल पिटीशन है। क्यों मल्टीपल पिटीशन है और इनसे आपको कैसे राहत मिलेगी और आने वाले टाइम पे क्या बैंक एनबीएफसी कुछ राहत दे सकती है। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा एक चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर 2020 को एक इंट्रीम ऑर्डर लगाया था। उस इंट्रीम ऑर्डर में साफ साफ था जो कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी लोन आपके लोन को एनपीए नहीं कर सकता, तो एनपीए को वो नोटिस भी नहीं भेज सकता, एनपीए घोषित भी नहीं कर सकता। यदि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद 3 सितंबर 2020 से यानी 1/9/2020 से लेके 23 मार्च 2021 के बीच में, यानी इसको मान लीजिए 22 मार्च 2021 के बीच में यदि कोई भी बैंक एनबीएफसी आपके लोन अकाउंट को एनपीए कर दिया, एनपीए घोषित कर दिया और उसका नोटिस भेज दिया और एनपीए वाली कार्रवाई करी है, तो आप यकीन मान के चलिए अभी भी आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके उस कदम से, एनपीए करने के कदम से, इस ये जो टाइम इंटरवल है 1 सितंबर 2020 से लेकर 23 मार्च 2021, इस बीच का जो उन्होंने सिचुएशन क्रिएट किया आपके लिए, उनसे आपकी डिग्निटी पर असर पड़ा, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा समाज में हनन हुआ, नुकसान हुआ, आपको कई तरह से मानसिक प्रताड़ना भी आपको झेलना पड़ा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है अजीज ट्रेडिंग कंपनी और वो मैंने एक और दो और बताया था, वो ठीक है, वो एक होटल है और एक और है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो पिटीशन फाइल किया गया दोस्तों, इनसे ये देखिए पिटीशनर है अजीज ट्रेडिंग कंपनी, उमराज ट्रेडिंग कंपनी और अजय होटल्स, ठीक है। इनके मान हानि को, इज्जत प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुँचा और एनपीए घोषित कर दिया गया। और कहने का मतलब यह है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को का जो कंप्लायंस है वो सही तरीके से पूरा नहीं किया गया, पालन नहीं किया गया। तो अब इन सब चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट जरूर संज्ञान लेगी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का वायलेशन करते हुए, इंट्रीम ऑर्डर को वायलेट करते हुए बैंक को एनबीएफसी ने लोन को एनपीए कर दिया और एनपीए करने के बाद मालूम ही है बैंक नोटिस चिपका देती है घर के आगे, लोग देखते हैं अरे यार इसका ऐसे वैसे, आपको आप लोग जो समझदार हो सभी लोग, ठीक है। इससे क्या होता है, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप कैसे वायलेट कर सकते हैं, ऑर्डर का मतलब इंट्रीम ऑर्डर, ठीक है। और फाइनल ऑर्डर कब आया, 23 सितंबर 2020 को। यही सारी चीज़ है दोस्तों जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें जिक्र किया गया पिटीशन में जो पिटीशनर है लॉस्ट देयर इमेज भी खराब हो गई इनकी दोस्तों, डिफेम हो गया इसको, कई सारी दिक्कत परेशानी हो गई, समझ गए, डिफेमेशन हो। तो यहाँ पर एक तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिमांड किया गया और इस पर यकीन मान के चलिए यदि कोई भी बैंक एनबीएफसी, अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकलती है, यहाँ से दोस्तों ये रिजल्ट निकलेगा, देखिए सुप्रीम आरबीआई क्या करेगी, फिर आरबीआई क्या कुछ कर सकती है, ये जरा सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट क्या होगा नहीं होगा उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है। यदि देखो जब मान लो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो इंट्रीम ऑर्डर दिया था 3 सितंबर को, इस इंट्रीम ऑर्डर को आप मान लो इनका जो बैंक एनबीएफसी का वो टीम जो है, इनका जो सेंट्रल टीम है जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करती है, क्रेडिट मॉनिटरिंग टीम है इनका, अब वो किसी के लोन को एनपीए कर दे रहा है। अब ये एनपीए करने के बाद भी तो आप पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हो हुजूर, आप एनपीए कर दिए, एनपीए का आपने नोटिस भेज दिया है, घोषित कर दिया, तो एनपीए करने के बाद भी क्या आप पैसा रिकवर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। कहने का मतलब क्या, आपने एनपीए घोषित किया तो आपको तो कुछ फायदा तो होनी चाहिए एनपीए करने के बाद, एनपीए करने के बाद कोई फायदा नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ फिर। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपको कोई काम करने से फायदा नहीं हो रहा है, एनपीए घोषित कर दिया, आप पैसा रिकवर कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, भले ही छोटे मोटे पेनाल्टी चार्जेज वार्जेज लगा दे वो एक अलग बात है, लेकिन आपका पूरा नुकसान तो आप ही का है, आप ही का एसेट क्वालिटी डाउन होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है जो आरबीआई जितने भी बैंक एनबीएफसीज है, इन सभी लोगों को एक फ्रेश इंटरनल गाइडलाइन इशू कर सकती है, भले ही वो हम लोगों के बीच में हो ना हो, लेकिन एक मीटिंग वगैरह ले सकती है इन लोगों का, एनबीएफसी या बैंकों के बीच में कोई इंटरनल सर्कुलर जारी कर सकती है, ऐसा हम अपने तरफ से बता रहे हैं एक अनुमान, जिसमें ये सब होगा। जो यदि किसी का लोन अकाउंट को 1 सितंबर, इसको मैं जरा इधर कर दूँ, ये तो मैंने दिखा दिया आपको, सभी रिपोर्ट वगैरह न्यूज़ वगैरह में आप लोगों ने देखी भी होगी, ठीक है। इसमें यह हो सकता है जो जिसका भी लोन 1 सितंबर 2020 से लेकर 22 मार्च 2021 तक एनपीए किसी का कर दिया है आधिकारिक रूप से, तो उनको हटा के उनको बोला जा सकता है जो आप इनके लोन को रेगुलर कीजिए, या फिर इस बीच में कोई एनपीए वाला क्या होगा तो इसको विथड्रॉ कर लेगा, तो आपको फिर क्या होगा, राहत मिलेगा। और अगले वीडियो में बात करें, यदि किसी बैंक ने एनबीएफसी ने आपके लोन को एनपीए भी कर दिया है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, वो क्या क्या कर सकता है, और ये वीडियो बहुत लंबा खींच गया यार, हम बताते हैं तो आपको तब तक बताते रहेंगे जब तक आपका वो टॉपिक, आपका ये जो पॉइंट है ये क्लियर ना हो जाए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी बैंक एनबीएफसी का हम लोगों ने डाल रखा है, तो आप लोग इधर से देखते जाइएगा और कमेंट सेक्शन में पिन करके दे देंगे। और सुप्रीम कोर्ट का एंट्री मॉडल देखिए, इनसे काफ़ी राहत मिलेगी,
और आरबीआई के ऊपर थोड़ा सा ये बनेगा और बैंक एनबीएफसी को हो सकता है जारी कर दे, और जिसका भी लोन अकाउंट एनपीए किया गया है 1 सितंबर 2020 से लेकर 23 मार्च 2020 के बीच में, उसके लोन अकाउंट को जो है रेगुलर किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बड़ी राहत वाली बात होगी ये अपने आप में। तो इसी के साथ वीडियो को करते फिनिश दोस्तों। ये देख लीजिए, ये सारे चीज़ बिजनेस टुडे का भी है, बिजनेस टुडे का भी अपडेट आया हुआ है ये, और इसमें मैंने बता दिया विशाल तिवारी जी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रज्ञा के द्वारा फाइल किया गया है पिटिशनर के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर एनडीटीवी का भी वही रिपोर्ट है, पुलिस सीकिंग दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग अवेयर रहिए और हमेशा वीडियो वगैरह देखते रहिए, हम लोगों के पास देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सारी जानकारी लेते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो करते फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।